शून्यकाल श्री नंबर वन श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, श्री बसंत कुमार पंडा जी, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस सत्र में शून्यकाल के दौरान बोलने का मौका मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिला नुआपड़ा में 38 पोस्ट ऑफिस शुरू करने की घोषणा की है। मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहांडी है, जिसमें दो जिले नुआपड़ा और कालाहांडी आता है और दोनों जिले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला नुआपड़ा में 143 पोस्ट ऑफिस पुराना और नया बन चुका है और सब पोस्ट ऑफिस 3 दशक से कार्यरत हैं, लेकिन नुआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय में अभी तक नया मुख्यालय स्थापित नहीं हुआ है। उक्त सभी पोस्ट ऑफिस पिछले 3 दशक से जिला कालाहांडी पोस्टल मुख्यालय से संचालित किए जा रहे हैं, इसलिए पोस्टल सेवाओं की सुगमता के लिए नुआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय जिला के मुख्यालय में पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक को भी नियुक्त किया जाए ताकि लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिल सके। और उसके साथ साथ ये पोस्टल मुख्यालय खोलने के बाद पासपोर्ट ऑफिस भी खोलने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। भारत सरकार के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सुविधा देने पर विचार कर रही है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए जिलेवासियों को अच्छी पोस्टल सेवा प्रदान करने के लिए, कोर बैंकिंग सिस्टम का सेवा प्रदान करने के लिए, पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के लिए जिला नुआपड़ा में मुख्यालय में जल्द से जल्द जिला पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक का नियुक्त किया जाए। धन्यवाद महोदय। श्री रामकृपाल यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान सूखा के भीषण संकट से जूझ रहे बिहार के किसानों के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। जलवायु परिवर्तन के असर का बुरा परिणाम आज पूरे बिहार भुगत रहा है। इस वर्ष 1 जून से 29 जुलाई तक बिहार में अपेक्षित 485.4 मिलीमीटर वर्षपात की तुलना में मात्र 287.2 मिलीमीटर वर्षपात हुई है, जो कि लक्ष्य से 41% कम है। वर्षपात में कमी से बिहार के 91% किसान सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बिहार में धान की खेती के लिए 35 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है, परंतु अभी तक मात्र 17.9 लाख में ही धान की रोपनी हो पाई है, जो लक्ष्य का मात्र 48.8% ही है। वर्षपात में कमी के कारण भूगर्भ जल का लेयर काफी कम हो गया है, जिसके कारण बिजली रहते हुए भी पानी का लेयर भाग जाने के कारण मोटर पंप से भी भूगर्भ जल का शोधन नहीं हो पा रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने डीजल अनुदान की राशि निर्गत करने का फैसला लिया है किसानों के मदद के लिए। धान की फसल के बर्बाद होने की स्थिति
वैकल्पिक फसल के मुक्त बीज वितरण के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। कम बरसात के कारण पेयजल के भी घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ धान की खेती का भी बड़े पैमाने पर नुकसान की स्थिति में मवेशियों के समक्ष चारा संकट की भी समस्या पैदा होने वाली है। मध्य प्रदेश के बाणसागर और उत्तर प्रदेश के रिहन जलाशय के जलग्रहण क्षेत्रों में भी कम बारिश के कारण धान का कटोरा कहे जाने वाला मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा सहित पूरे शाहबाद के पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, नालंदा, कैमूर, अरवल सहित कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां नहरों में सिंचाई की पर्याप्त पानी नहीं है। अन्य छोटी छोटी बरसाती नदियों में भी पानी नहीं है। आहार पाइन सब सूखे हुए हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है महोदय। केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार में अविलंब एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर सूखा की स्थिति का आकलन कराया जाए तथा बिहार को सूखा ग्रस्त घोषित करने की दिशा में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। महोदय, बहुत स्थिति खराब है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार को पुनः अनुरोध करता हूं कि सर इसको कार्रवाई करने के लिए वहां के लोगों को बचवाइए। सर बहुत हालत खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुंवर दानिश अली जी, पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी जी। थैंक यू सर। ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडमिक इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल कोलैबोरेशन एफर्ट फ्रॉम मल्टीपल मेडिसिनल सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया इंक्लूडिंग बोथ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुष सिस्टम हैव गेव सक्सेसफुल रिजल्ट्स। द इवेंट हाईलाइटेड इन द नीड फॉर फर्दर इनोवेशन रिसर्च इन द फील्ड्स ऑफ आयुष एंड डेवलपमेंट एक्सेसिबिलिटी टू ग्रो ऑडियंस एंड बिल्ड ए साइंटिफिक इमेज इन द सोसाइटी। इट ऑल्सो हेल्प्ड पुश ए पर्सपेक्टिव फॉर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर डिजास्टर and need to build our immunity through daily homegrown practices. The state of Andhra Pradesh currently has 7 colleges in the field of Ayurveda with 400 plus students and can benefit further a National Institute of Ayurveda. Through a high level education in the field, was a state can contribute in the build 21st century outlook of Ayurveda and bridge a gap between Ayurveda and young audience. Education will be a credible medium to connect young students to their root and communications same. Moreover, proximity to the growth IT hub and DRDO research facility will be fruitful for medical collaboration. Therefore, we would request the government to sanction a National Institute of Ayurveda under the Central University in the state of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you. Sri Ramdas Tadas ji. Ramdas Tadas ji. Dhanyavad Sabhapati ji. Sadan ke madhyam se maniya Raksha Mantri ji se agrah ki apne sansadiya kshetra Vardha ke mahatvapurna vishay par dhyan आक्रोट करते हुए कहना है कि आशिया खंड का सबसे बड़ा केंद्रीय गोला बारूद भंडार पुलगांव में जो मेरे सांसद क्षेत्र में है और उसके आजू बाजू में 15 गांव बड़े गांव है। गांव केंद्रीय गोला बारूद होने के कारण वहां की जमीन जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनने को गवर्नमेंट ने पैसा दिया लेकिन नक्शा में वो गांव है क्या नहीं है अभी तक उसकी जांच हुई नहीं। इसलिए वहां पे ये मिलिट्री वाले जाके उसके मकान गिराते हैं, उसको बांधने नहीं देते। लोगों का कहना है कि एक बार हमारा सीमा जो सीमा है वो सीमा पूरा बांध दो, अगर हमारा आता होगा इसमें
तो गवर्नमेंट ने लेना चाहिए, नहीं आता होगा तो हमारा वापस करना चाहिए। और अंत सदन के माध्यम से मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह की कि इसके परिसर में जो पूरा परिसर है वो परिसर में एक बार कलेक्टर वहाँ का मिलिट्री के लोग सबको जांच के लिए भेज देना चाहिए और एक बार ये गांव वाले को सुविधा मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद श्री टीएन प्रथापन जी, श्री चंद्रशेखर साहू जी, sir thank you for allowing me this to speak on this zero hour. Sir, this is regarding direct flights from Bhubaneswar to Dehradun and Shirdi airport. Sir, you know Odisha shares a long standing relationship with Uttarakhand, as many pilgrims of these two states frequently visit both the places. Many devotees, tourists from Uttarakhand visit places like Lord Jagannath Temple of Puri, Konark Chilka near Bhubaneswar, Lingaraj Temple, and similarly many people of Odisha visit Chardham Jatra, that is Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath, and also to other hill stations of Uttarakhand. Sir, Shirdi is also known as Sai Nagara in Maharashtra, is a place of importance and is also counted among the major places of pilgrimage. Annually, thousands of devotees from Odisha visit to Sai Nagar. Sir, there is no direct air connectivity from Bhubaneswar to Dehradun and Shirdi airports. Therefore, devotees have to travel by train, road, or if they travel by air, they have to go to first Delhi for Dehradun or Mumbai for Shirdi, which is costlier as well as time consuming for them. Sir, therefore, through you, I request the Honorable Minister for Civil Aviation to consider direct flights from Bhubaneswar to Dehradun and also to Shirdi, which will help the devotees and also tourists. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Manikambi Tagore. No. Sri Ajay Nishad ji. धन्यवाद सभापति महोदय। हमारी एनडीए सरकार ने गैस उपभोक्ताओं को काफी सुविधा एवं लाभ दिया है और फर्जी कनेक्शन को खत्म किया गया। डीबीटीएल योजना से उपभोक्ताओं को सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ता के खाते में जाना शुरू हो गया। उज्ज्वला योजना से देश के सभी गरीबों को मुफ्त कनेक्शन मिला। डिजिटल सुविधा से गैस की कालाबाजारी खत्म हुई और गैस ऑन डिमांड हो गया। देश में गैस उपभोक्ताओं की शिकायत में भारी कमी आई। मेरे संज्ञान में आया है कि तेल अधिकारियों द्वारा बेवजह गैस एजेंसी के मालिकों को तंगोतवा किया जाता है और गैस एजेंसी के मालिकों को आरएमडीजी की धमकी देकर शोषण किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आरएमडीजी को समाप्त किया जाए ताकि बेवजह गैस एजेंसी के मालिकों को परेशानी ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद श्री हिबी इडन जी। श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन मेरी इस बात से सहमत है कि मानव संसाधन देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं में कौशल विकास और ज्ञान सृजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र नेतृत्व अथक प्रयास कर रहा है। हालांकि महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड अभी भी इस मोर्चे पर बहुत पीछे है। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 राज्य के कुछ बेहद चिंताजनक आंकड़े पेश करता है। झारखंड नॉलेज वर्क्स की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। इसके अलावा राज्य में कार्यरत लोगों की कुल आबादी में से उच्च डिग्री प्राप्त केवल 1.1% महिलाएं ही कार्यरत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य अपने लोगों को अनुसंधान, इनोवेशन और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने में विफल है। झारखंड में जीडीपी का केवल 0.5 ही अनुसंधान एवं विकास पर व्यय हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर कौशल विकास प्रशिक्षण शून्य रहा है। एक तरफ जहां हम पूरे देश में 75,000 स्टार्टअप्स की उपलब्धि पर गौरवान्वित हो रहे हैं,
वहीं दूसरी ओर झारखंड में 2021 में स्टार्टअप झारखंड कार्यक्रम के तहत केवल 7-8 नए स्टार्टअप पूंजीकृत हो पाए हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल कदम उठाएं और राज्य सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश के विकास में झारखंड की अहम भूमिका हो। सभापति महोदय, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हजारीबाग को नॉलेज सिटी बनाने के लिए मैंने झारखंड सरकार को कई बार निवेदन दिए हैं और केंद्र सरकार से भी मैंने उनका सहयोग मांगा है। मैं आपके माध्यम से माननीय एजुकेशन मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा कि उनका पूरा हमें सहयोग मिले, जिसमें कि हम हजारीबाग को भी नॉलेज सिटी बनाकर वहां के युवाओं को रोजगार का पूरा अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री उन्मेष भैया साहब पाटिल जी, डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन के मध्य में पुनः एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सफाई कर्मचारियों से संबंधित है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चुन करके आता हूँ और भदोही कालीन की नगरी में विश्व में मशहूर है। प्रदेश में मात्र एक भदोही ऐसा जिला है कि जहाँ 14 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक एक भी सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने सफाई कर्मी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत है और हमारे देश और जिले के स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सफाई कर्मचारियों की है। यह मुद्दा मैंने 2021 में वर्ष बजट में सत्र में उठाया था लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में बसपा सरकार में 2008 में 1272 राजस्व गांवों में सफाई कर्मचारियों के नियुक्ति के रूप में आवेदन जारी किया था लेकिन पुनः प्रक्रिया धाधली अनियमितता के कारण पूरी नहीं हुई। वर्ष 2008 में सफाई कर्मचारी पद की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। पहली बार में 1272 पद, दूसरी बार में 80,000 व तीसरी बार में 7,00,000 आवेदक आए। तब से लेकर आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पूरे प्रदेश में हर जिले में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई है लेकिन किसी कारणवश हमारे जिले में सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण पिछले कुछ महीने से जिला मुख्यालय पे सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 14 वर्ष विलंब हुआ है जिसके कारण लाखों आवेदकों के जीवन यापन नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे में तत्काल हस्तक्षेप करें और राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि इस भर्ती की प्रक्रिया को अगले एक महीने में पूरा किया जाए, जिससे परिषदीय स्कूल पंचायत के अधीन आने वाली सरकारी भवन सार्वजनिक स्थान की साफ सफाई के लेकर के सामने आने वाली समस्या का समाधान होगा और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित स्वच्छ भारत का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री विजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक दरखास्त भेजी थी भारत सरकार को कि सन 2022 में करीब 11 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इकट्ठे एक साल में रिटायर हो रहे हैं, जिससे जो संख्या है अधिकारियों की वो प्रदेश में कम होगी, जिस वजह से प्रशासनिक कार्यों में बाधा आएगी। और 3 अफसरों का केस भी भेजा गया था सेवा विस्तार के लिए, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी कोई संतुष्टि नहीं दी। मैं महोदय आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आम तौर पर प्रदेश सरकारों का ये मत रहता है कि उनके पास अधिकारियों की कमी है, लेकिन सच बात यह है कि शायद ये ठीक नहीं है। मैं उदाहरण हरियाणा का ही लूँगा। जो एपेक स्केल है और उसके बाद का जो सुपर टाइम स्केल से ऊपर का स्केल है, उसमें करीब 2% और 8% जो टोटल काडर स्ट्रेंथ है उसके अनुसार अधिकारी होने चाहिए।
हरियाणा में अकेले एपेक्स स्केल में 16 अधिकारी हैं, जो आज के दिन काडर स्ट्रेंथ है वो 170 के आसपास है, और सुपर टाइम स्केल से ऊपर की यदि बात करें तो कुल मिलाकर 30 से ज्यादा अधिकारी हैं, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का हो, ये जो एक्सटेंशन का जो सिलसिला है, सेवा विस्तार का जो सिलसिला है, इसको 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 अगर खत्म ना भी कर सकें तो ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो आने वाले अधिकारी हैं वो हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि शायद प्रदेश में या केंद्र में उनके काम की उतनी अहमियत नहीं जितनी उनसे सीनियर की है। और यही कारण है महोदय कि जो जो केंद्र सरकार ने पिछली बार पिछले साल जो एक आदेश पारित किया था कि जो CDR है, सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व, उसकी जो ऑब्लिगेशन है स्टेट्स की, वो उसमें बहुत एक गिरावट आई है, और सरकार ये ने निर्णय किया था कि आने वाले समय में जब किसी भी प्रदेश से अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पे यदि मांगा जाएगा तो उसमें स्टेट की कंसेंट या अधिकारी की कंसेंट हो ना हो, लेकिन केंद्र का जो मत है वो ओवरराइड करेगा। मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा महोदय। सन 2011 में जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के जो स्तर पे जो अधिकारी हैं उसमें 2011 में 309 अधिकारी थे, और 2022 में ये घटके 223 रह गए थे, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के जो IAS अधिकारी जिनका स्केल उस लेवल का है उनकी संख्या 2014 में 621 से बढ़कर 2021 में 1130 हो गई थी। उसके बावजूद ये ड्रॉप है, तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा सरकार से कि एक तो ये एक्सटेंशन का जो सिलसिला है इसको ज्यादा प्रोत्साहित ना किया जाए, और दूसरा जो निर्णय सरकार ने पिछले साल लिया था उसके तहत ये जो शॉर्टफॉल है बहुत बहुत धन्यवाद में उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रवनीत सिंह जी, श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्री सुगना थिरुनवुकारा सर, श्री प्रताप राव जाधव जी, सुग्न श्री मिमी चक्रवर्ती जी। There's an urgent need of railway flyover at level crossing near Shonarpur railway station of Shialda division of Eastern Railway on Kamrabad Road. I have taken up this issue earlier also. The area around that place has significant schools and hospitals, and it really gets difficult for students to reach school and patients in ambulance to reach hospital later, which deteriorates their health condition. So earlier I had urged the construction of flyover at Champahati railway station near Baroipur East and railway level crossing at Vidyadharpur, but no action had been taken, sir. Therefore, I urge upon the government to take immediate steps to initiate all the three projects of Eastern Railway in Jadavpur constituency. Thank you so much, sir. Thank you. Srimati Kalaben Mohan Delkar ji. Mahoday, आज मैं मेरे प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली की अत्यंत गंभीर विषय से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। हमारे दोनों प्रदेश में लोग पिछले 6 वर्षों से कई मूलभूत सुविधा से वंचित है। आज मैं प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों के बारे में भारत सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मेरे प्रदेश की अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में बरसात अधिक होती है, यह जानकारी प्रशासन के पास होने के पश्चात भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून से ठीक पहले सड़कों की अंधाधुंध तरीके से खुदाई की गई और डिवाइडर को हटा दिया गया, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी, जिस वजह से आज सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई। शहर एवं गांवों की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों ने जनता की परेशानी और बढ़ा दी। ऐसी परिस्थिति में हर रोज कई जानलेवा दुर्घटना हो रही है। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इस तरह के खतरों के बीच स्कूल जाने को मजबूर है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 6-6 वर्ष बीतने के पश्चात भी प्रदेश की एक भी सड़क ठीक तरीके से नहीं बन पाई। महोदय, प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अतः मैं
आपके माध्यम से भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय से पुनः आग्रह करती हूं कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को तथा विभाग को प्रदेश की सभी सड़कों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र बनाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। आपका बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। मेरठ के दो महत्वपूर्ण मार्गों रेलवे रोड तथा बागपत रोड को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण मेरठ महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। उपरोक्त संपर्क मार्ग के निर्माण से मेरठ महानगर में जहां यातायात की स्थिति में सुधार होगा, वहीं इन सड़कों के निकटवर्ती क्षेत्र में निर्मित लगभग 40 बसावटों के नागरिकों विशेषकर स्कूली बच्चों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी तथा उनके आवागमन में समय की अत्यधिक बचत होगी। इस संबंध में प्राधिकरण अभियंताओं द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर वेस्ट सब एरिया मेरठ कैंट से प्राप्त किए गए सर्वे मानचित्र के अनुसार इस स्थान पर सेना की अवशेष रिक्त भूमि उपलब्ध है जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 20 मीटर है। यदि रक्षा विभाग अपनी उक्त 20 मीटर चौड़ाई की भूमि में से 12 मीटर चौड़ी भूमि संदर्भित संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु उपलब्ध करा दे तो मेरठ विकास प्राधिकरण रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले इस मार्ग का निर्माण करा सकता है। इस संबंध में मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ तथा मेरठ के जिलाधिकारी एवं आयुक्त महोदय द्वारा भी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपेक्षित प्रपत्र पर प्रार्थना की जा चुकी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ के रेलवे रोड तथा बागपत रोड को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग का निर्माण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी। शुक्रिया सर। सर, मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ मुसीबत आई हुई है। सर, आप जानते हैं कि कुछ समय पिछले क्रॉप में जब वीट था तो मार्च के महीने में इतनी गर्मी आ गई कि उसका ग्रेन सुकड़ गया, उसकी आउटपुट कम हुई और जब उसको एक्सपोर्ट करके दो पैसे मिलने थे तो सरकार ने बैन लगा दी। अब सर दूसरी क्रॉप आई है तो बरसात करके इतना बड़ा बाढ़ आ गई है सर कि उधर लगता है कि खेत नहीं, अब वहां पे नदियां बह रही हैं, उसका सारी फसल खराब हो गई। इससे पहले सर अब नरमा जो कॉटन क्रॉप है लगातार 3 साल उसमें बीमारी लग रही है, कभी सुंडी कभी सफेद मच्छर, और इस करके किसानों को पली पलाई फसल को उनको अपरूट करना पड़ रहा है। सर, इस बार हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ने सारे किसानों को कहा कि आप मूंगी की फसल आप बीजिए और आपको 7,225 का आपको MSP में सरकार खरीद करेगी, लेकिन इतनी दुख की बात है सर कि मूंगी की 4 लाख टन का जो उनका अब क्रॉप आई है उसमें से 10% भी सरकार ने खरीद नहीं करी और 90% किसानों को MSP के नीचे प्राइवेट प्लेयर्स को 5-6 हजार में बेचना पड़ा है। और सर, एक तरफ से बाढ़, एक तरफ से बीमारी, एक तरफ से MSP नहीं, गरीबों के मकान बाढ़ में रोल गए हैं, मजदूरी सारी खत्म होगी और हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देख के किसानों से बिना बात किए उनकी बात तक नहीं पड़ी। अब उनके घरों में मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी फैल रही है और यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल वो जाके मदद हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करती हूँ कि केंद्र इस बारी किसानों की बाँह फड़े और ये किसान जो देश का पेट पालने का सबसे बड़ा योगदान डालता है, आप पंजाब के किसानों को कोई कॉम्पेंसेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमोल कोल्हे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, स्वतंत्रता दिन के अवसर पर जो गौरवपूर्ण मुहिम का ऐलान किया है हर घर तिरंगा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन देशभक्ति के जज्बे को जगाने वाले इस मुहिम को लेकर देश के लगभग 13 राज्यों के लाखों लोगों के दिलों में एक आशंका है क्योंकि जिस घर पर वो तिरंगा फहराना चाहते हैं वो घर ऑथराइज ही नहीं है क्योंकि ये सब घर डिफेंस के रेड जोन के दायरे में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर और बाजू के मावल संसदीय क्षेत्र में लगभग 5 लाख से ज्यादा देशवासी इस रेड जोन से आहत है। अध्यक्ष महोदय, स्टोरेज टेक्निकल एक्सप्लोजिव कमिटी स्टेक रेगुलेशन 1970 जिसे 2005 में अमेंड किया गया था उसके अनुसार इस रेड जोन की सीमा 270 मीटर से 500 मीटर तक तय की गई है लेकिन अंग्रेजों के जमाने का जो कानून है दैट इज डिफेंस एक्ट 1903 जिसमें इस सेफ्टी डिस्टेंस को 500 से 2000 यार्ड बताया गया है। और अध्यक्ष महोदय, ये मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी
कई जगहों पर, जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र शिरूर हो या नजदीकी क्षेत्र मावल हो, जहां सेफ्टी डिस्टेंस नॉर्म अंग्रेजों के जमाने के कानून से सुनिश्चित किया गया है और जो 2000 यार्ड का है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जैसे वन नेशन वन टैक्स की तरह वन नेशन वन रेड जोन सेफ्टी नॉर्म के बारे में ध्यान दिया जाए और स्टेक रेगुलेशंस 1970 अमेंडेड इन 2005 के अनुसार 500 मीटर की रेड जोन की सीमा सुनिश्चित की जाए और उसके बाद देशवासियों को राहत दी जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निष्कांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर देश का और आपका जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं सांसद महोदय, सभापति महोदय। मेरा जो पूरा राज्य है, जिस इलाके से मैं आता हूं संथालपुरना, वहां के जो कुछ जिले हैं पाकुड़ साहबगंज गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं जामताड़ा, ये पूरा का पूरा उसकी डिमोग्राफी बदल गई है। बांग्लादेश से नज़दीक होने के कारण मालदा मुर्शिदाबाद किशनगंज कटिहार का जो इलाका है वो पूरा का पूरा बढ़ गया है और बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहा हूं। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण आया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, तो 1 किलोमीटर के रेंज में जो है प्राथमिक विद्यालय बने, 3 किलोमीटर के रेंज में मध्य विद्यालय बने और 5 किलोमीटर रेंज में जो है वो हाई स्कूल बने। सभी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूल हैं। अचानक देखने को आया कि कम से कम 1800 ऐसे स्कूल हैं पूरे झारखंड में जिन्होंने कि अपने नाम के पीछे उर्दू लगा लिया। तो उर्दू लगाने से भी मान लीजिए कि किसी ने उर्दू लगा लिया तो उसको पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कमेटी बनाई झारखंड सरकार ने और जो उसकी रिपोर्ट आई है कि वहां अब रविवार के दिन उन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। सभापति महोदय, ये इतना सीरियस बात है कि पूरे देश में स्कूल में जो है छुट्टियां रविवार को हुआ करती हैं, लेकिन उस 1800 स्कूल में छुट्टी शुक्रवार को होती, और ये मेरा नहीं झारखंड सरकार का रिपोर्ट है। तो ये जो देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है और खासकर झारखंड ने जो उसको एक रास्ता दिखाया है, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि NIA की जांच की जाए। जो स्कूल इस तरह का उर्दू लगाए हुए हैं और शुक्रवार की छुट्टी दे रहे हैं उस स्कूल की फंडिंग रोकी जाए और पूरे देश भर में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ये देश एक कानून एक विधान एक निशान से चलता है और किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर यदि कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बी मेहताब जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। आई एम रेजिंग एन ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच इज वेरी क्लोज टू आवर स्टेट एंड दैट इज दैट रिलेट्स टू पोलावरम प्रोजेक्ट। ओडिशा मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश इन 1980 हैड अग्रीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। द टोटल reservoir area was 36 lakh cubic, but what has happened in between is the Andhra government had raised the height of the dam and that's how it is inundating large part of Odisha, and in this present incessant rain has caused flood havoc in river Salari and river Saberi. So these are Andhra government has been saying that we will construct embankments on both sides of this river, to which Odisha government has objected to, and a case is pending in Supreme Court of India. The problem today is with this heightened dam of Polavaram project is creating havoc in our state and also part of Telangana. I would request the present government to impress upon Andhra government to have another additional spillway, because already they have already constructed the heightened project, have heightened the dam. So the only other engineering skill would be to have a additional spillway so that the flood water will be released and our part of Odisha will not get inundated. Motu has been affected to a very great extent, which is the extreme point of Odisha, and it is really difficult to provide succor to the tribal people of that area. I would urge upon the government to intervene in this matter. Thank you very much, Shri Kumar Dalis Ali ji. आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाने का मौका दिया।
सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले जो गेहूं का किसान था उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया, लग रहा था कि उनको अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन सरकार ने गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। अभी गन्ना किसानों की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है गन्ना किसानों का कितना बकाया है चीनी मिलों पर वो भी ट्रांसपेरेंसी बंद कर दी है। मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास नहीं आ रहा है, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में एक शुगर फैक्ट्री, सिर्फ सिंभावली शुगर फैक्ट्री पर 250 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वो जो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रही है हमें उपलब्ध कराए कि पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का कितना बकाया है और गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान तुरंत कराया जाए, उन किसानों को ब्याज दिया जाए गन्ना किसान के बकाए पे। सभापति महोदय, बैंक जो है वो ब्याज लेते हैं, अगर किसान जो है कुछ लोन लेता है बीज के लिए, खाद के लिए, किसान को बैंकों को ब्याज देना पड़ता है, उसकी कुर्की होती है, उसको जेल में डाला जाता है, लेकिन गन्ना किसान जो साल भर मेहनत करके पैदा करता है उसका वो चीनी मिल को देता है, चीनी मिल टाइम पर भुगतान नहीं करता है और गन्ना किसानों के जो उनका हक है वो सरकार दिलाए ब्याज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रंजन बेन भट्ट जी। धन्यवाद सभापति जी, आप श्री ने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय सभापति जी, मैं आप श्री के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री का अभिनंदन करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे वडोदरा लोकसभा मत क्षेत्र के दुमाड़ जंक्शन पर जो ट्रैफिक की समस्या थी उसके निवारण हेतु वहां ब्रिज बनाने की मंजूरी दी और इसका शिलान्यास भी आदरणीय मंत्री श्री ने किया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय सभापति जी, मैम आप श्री के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा में जो नेशनल हाईवे नंबर 48 के पुराने ब्रिज के संकीर्ण होने की वजह की यातायात कर रहे यात्रियों की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आदरणीय सभापति जी, अहमदाबाद से जिन यात्रियों को हाईवे से भरूच, सूरत या मुंबई जाना है, वो चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या ट्रांसपोर्ट यातायात हो, उन सभी को वडोदरा से गुजरना पड़ता है। आदरणीय सभापति जी, अहमदाबाद से वडोदरा, सूरत, मुंबई की ओर जाने वाला हाईवे 6 लेन है, लेकिन वडोदरा से भरूच जाने के बीच जाम्बुआ और विश्वामित्री एवं पौर, बामनगांव और नाना फोपड़िया, ये 4 नाले 4 लेन के हैं। इसी वजह से वडोदरा से भरूच के बीच ट्रैफिक की गंभीर समस्या है। वहां करीबन 1-1 घंटे तक यात्रियों को वहां ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या एवं अकस्मात विकट दुर्घटनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के जाम्बुआ बीच पर होता है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके सम्मानीय माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के जाम्बुआ, विश्वामित्री एवं बामनगांव, पौर और नाना फोफड़िया के मौजूदा 4 लेन ब्रिज को 6 लेन ब्रिज में परिवर्तित एवं निर्मित करने की शीघ्र कार्यवाही करने की पहल करें, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र से जाने वाले यात्रियों 10 किलोमीटर की लंबी ट्रैफिक से उनको सामना से समस्या से मुक्ति मिले। धन्यवाद जी। श्रीमती शताब्दी राय जी। थैंक यू सर। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी बीरभूम का शिवड़ी जो हार्जन बाजार है वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग ओवर ब्रिज बन रहे 5 साल से। लास्ट सेशन में भी मैंने उठाया, फिर मिनिस्टर ने बताया कुछ काम स्टार्ट हुआ, लेकिन वो 2-3 आदमी काम करते थे। 3 साल बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी 4-5 महीने हो गया। नया टेंडर, नया काम कब स्टार्ट होगा? क्योंकि वहाँ के एनक्रोचमेंट जितना हटा लिया, और आपको भी पता है जो वहाँ पे जहाँ पे ब्रिज बनते हैं वहाँ पे लोगों का हाल क्या होता है, ना चल सकते, ट्रैफिक जैम है, एक्सीडेंट है, ये सब होने लगे। और फिर दुबराजपुर में रेल स्टेशन के पास पे भी वैसा हाल है, शाइथिया रेल स्टेशन के पास वो जो रास्ता है पानी अभी भी मिट्टी का है, वहाँ पे
रेल बीच के लिए मैंने बोला इतना बार, दुबराज नौलहाटी स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग के लिए 9 साल से मैं बोल रही हूँ। मैंने आप जितने भी मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर चेंज हुआ है, सबके घर में मेरा फाइल मिलेगा, आपको 4-5 बार प्रपोजल दिया, लेकिन 10-12 साल में अगर कोई काम प्रपोजल अप्रूव करते फिर काम स्टार्ट नहीं होते, काम स्टार्ट होते तो खत्म नहीं होते, तो 5-10 साल एक एमपी क्या करेंगे सर, जो इतना प्रपोजल इतना बढ़ दिया हो। तो मैं बोल रही हूँ साइथिया रेल स्टेशन के पास में जो रास्ता है उसका रेल ब्रिज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे हिसाब से आपका मुद्दा आ गया है, काइंडली कंक्लूड। ठीक है, थैंक यू। ये होने से आप भी अगर मेरे तरफ दूसरों को हम समाविष्ट कर सकते हैं, एक ही है ना आपको। श्री सुशील कुमार सिंह जी, सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर। धन्यवाद सभापति महोदय। जो विषय मैं आज सदन में रखने जा रहा हूं वो मेरे प्रदेश बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय, सदन के शुरू होने के दिन से, सत्र के शुरू होने के दिन से मैं लगातार शून्यकाल में इस विषय को उठाने के लिए दे रहा हूं सूचना, लेकिन एक दिन भी लॉटरी में मेरा नाम नहीं आया। मैं आपका आभारी हूं कि आज भी नाम नहीं आने के बाद भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, जिस दिन से मैं इस विषय को उठा रहा हूं उस समय बिहार के 38 में 3 जिलों को छोड़कर लगभग 35 जिले अकाल की चपेट में थे। उसके बाद से स्थिति में परिवर्तन हुआ, अब उत्तर बिहार के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज की स्थिति, अभी की स्थिति यह है महोदय कि बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें उत्तर बिहार के भी कई जिले हैं और दक्षिण बिहार के तो लगभग सारे के सारे जिले हैं, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र का औरंगाबाद और गया दोनों जिला है, वहाँ अनावृष्टि की स्थिति यह है कि धान की रोपनी की बात तो छोड़ दीजिए महोदय, वहाँ पीने के पानी का भी संकट आज के दिन है। मैं इस समस्या के समाधान के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तात्कालिक योजना बनाई जाए और साथ साथ दीर्घकालिक योजना भी बने। जैसे दीर्घकालिक योजना के संबंध में मैं सुझाव के तौर पर मांग ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है, साथ साथ बटाने जलाशय योजना है, इन दोनों सिंचाई योजनाओं को समय पर पूरा करा दिया जाए तो समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है। जो इलाके नहरी क्षेत्र हैं, सोन नहर से जिन इलाकों की सिंचाई होती है, नहर की भी स्थिति अच्छी नहीं है महोदय। बाणसागर जो मध्य प्रदेश से बिहार को पानी मिलता है उसमें कमी है, सोन नदी में जल का अभाव है, तो उसके संबंध में एक सुझाव के साथ साथ मांग करना चाहूँगा कि जैसे अभी बिहार में एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है, तो ये जो एनफ वाटर है, ये जो बाढ़ का पानी है, फ्लड वाटर है, एक दीर्घकालिक योजना बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से इस एनफ वाटर को, इस ज्यादा पानी को बिहार के उस हिस्से में पहुंचाया जा सकता है जहां अभी लोग पीने के पानी का भी अभाव झेल रहे हैं। साथ साथ में तात्कालिक तो कुछ योजनाएं चलेंगी जिससे कृषि मजदूरों का कुछ भला होगा, तो मेरा कुल मिलाकर पूरे बिहार के लिए और खासकर दक्षिण बिहार, गया और औरंगाबाद जिले के लिए, जहां धान की रोपनी अभी तक महोदय जहां नहर नहीं है वहां केवल 10% हुआ है, वो भी अपने सरकार की देन है कि अब बिजली मुहैया हो रही है कि लोगों ने बोरिंग से, पंप से 10% धान की रोपनी की है, और वो भी जो स्थिति अभी बनी हुई है अनावृष्टि की, वो बचने वाला नहीं है, दरार खुले हुए हैं खेतों में, और जब बारिश होगी तो वो फसल बचेगी अन्यथा वो नहीं बचेगी। तो मेरा इस पर एक है कि इसमें चर्चा करा के और एक दीर्घकालिक साथ साथ तात्कालिक भी योजना बनाकर इस समस्या से समाधान हम लोगों को दिलाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमको मौका दिया है। हम सब लोग जानते हैं देश का एक बड़ा समस्या है बाढ़, फ्लड और भू कटाव, एरोशन और लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये 3 समस्या पूरा देश के लिए है।
और विशेष करके मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, आसाम से आता हूँ। आसाम में हर साल फ्लड के कारण लाखों लोग प्रभावित होता है, लाखों लोगों का जान माल और अपने डोमेस्टिक एनिमल का नुकसान होता है। इस साल भी 22 जिले में करीब 21 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुआ है, 200 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो गए है। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर मणिपुर का भी आप देखेंगे तो भूस्खलन, अरुणाचल प्रदेश का भूस्खलन, ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ जो एनडीए में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2009 में संशोधित हुआ था उसका फिर से संशोधन होकर के ये अपने आसाम के फ्लाद हो या देश के फ्लाद हो, इरोशन प्रॉब्लम हो और लैंडस्लाइड प्रॉब्लम, इसको एक नेशनल प्रॉब्लम के नाते इसको एक इसको संज्ञा दी जाए और इसके आधार पर एनडीएमए का जो संशोधन अमेंडमेंट करके पूरे नॉर्थ ईस्ट पूरे देश को इस तीनों समस्या से मुक्त किया जाए। एक फ्लाट फ्री आसाम का हम लोगों ने नारा दिया है, भारत सरकार के माध्यम से आसाम नॉर्थ ईस्ट फ्लाट फ्री रहे, क्योंकि आसाम का जो फ्लाद है ये केवल आसाम में उत्पन्न फ्लाद नहीं है, ये भूटान से फ्लाद आता है, उन लोग कुरिसुकन नदी का पानी छोड़ देता है, फिर इधर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मेघालय का पानी आसाम में आ जाता है। इसीलिए ये विषय को हम समाधान के नाते आपका हस्तक्षेप मांग करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस सदन के अंदर हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। जिस क्षेत्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मैं आता हूँ वहां पर जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक 400 किसानों ने आत्महत्या की है। मुझे आज भी याद है कि जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आत्महत्या इस देश से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस देश के एक छोटे से हिस्से के अंदर अगर महज 7 महीनों के अंदर 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बैंक्स किसानों को मदद नहीं कर रही तो साहूकार के पास जाना पड़ रहा है। प्राइवेट लेंडर्स जो है वो 25% से 32% इंटरेस्ट के हिसाब से किसानों को लोन दे रहे हैं, वो पैसा किसान दे नहीं पा रहा है, तो उसके आगे सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत के अंदर जब बारिश आती है, बारिश का कहर आता है, पूरी फसल बर्बाद हो जा रही है, तो भी किसान परेशान है। हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है उसकी वजह क्या है ये जाने। ये वजह सभी लोग जानते हैं। अगर प्राइवेट बैंक से लोगों किसानों को पैसा लेना पड़ रहा है और सरकारी बैंक किसी ना किसी वजह का बहाना बनाकर इन लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं तो ये आत्महत्या हो रही है। ये काम अहम है, ना कि आप शहरों के नाम बदल लिए, औरंगाबाद का नाम बदल दीजिएगा, संभाजीनगर कर दीजिएगा करके, ये अहम मुद्दे नहीं है। हम आदर करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन ये बहुत बहुत धन्यवाद के लिए काम बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।